हेलो फ्रेंड्स, NTNA 2019 के इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है से लिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, KVS NVS किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स। जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एशा रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। तो इसके कितने प्रिंसिपल थे? इसके प्रिंसिपल थे 29। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था FW टेलर के द्वारा। FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट तो दिया ही था, इसी को हम एक अदर नेम से जानते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रंथाना जर्नल द पब्लिकेशन ऑफ RRRLA। जो ग्रंथाना जर्नल है वो कहाँ से पब्लिश होता है? तो वो होता है RRRLA। RRRLA स्टैंड फॉर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम वॉज एक्वायर्ड बाई फेसबुक इन ईयर। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कब एक्वायर्ड हुआ? इसका ईयर है 2012। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोटका लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। जो लोटका लॉ था ये साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी में कार्यरत है, तो ये क्या बताता है? तो ये ऑथर की फ्रीक्वेंसी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM को किसने दिया था? माइकल पॉटर ने दिया था। दोस्तों, ये जो लोटका लॉ का एक क्वेश्चन है, ये हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी हम उठाएंगे हर एक बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखें। ट्रंकेशन का यूज कहाँ पे होता है? तो ये होता है सर्च फॉर्मुलेशन। जब हम किसी भी DBMS से डाटा को हमें सर्च करना रहता है तो हम ट्रंकेशन का यूज़ करते हैं। है इसी के अंतर्गत आता है बुलियन सर्च भी आता है, ट्रंकेशन लगाते हैं हम। नेक्स्ट है Greenstone 3 मल्टी लिंगुअल मल्टी प्लेटफॉर्म इज रिटन। ये जो Greenstone 3 है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? जावा। ये जावा में लिखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और हर एक वीडियो को देखें, क्योंकि हर एक वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।